हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडल कोचिंग। माय नेम इज कृष्णकांत सिंह मुंदेला। मैक्रो इकोनॉमिक्स बिजनेस साइकिल मॉडल के हिंदी के पार्ट 10 में आप लोगों का स्वागत है। इस पार्ट में हम गुडविंस थ्योरी को करने वाले हैं, और प्लीज आप पार्ट 1 से देखिए। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो आपको बिजनेस थ्योरी आसानी से समझ में आएंगी। खास तौर पर इसके पहले जो मैंने हिक्स की थ्योरी बनाई है वो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि हिक्शियन बिजनेस साइकिल में ये बताया गया था कि जो ग्राफ होता है वो ऊपर और नीचे दोनों जगह से लिमिट में आ जाता है। यानी ऊपर एक फुल एम्प्लॉयमेंट का सीलिंग लग जाती है और नीचे एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट की फ्लोर लग जाती है, तो उसकी वजह से वो टर्निंग पॉइंट्स आते हैं। और ये चीजें जो आती हैं ये बाहर से लाई जाती हैं। फुल एम्प्लॉयमेंट क्या है? एक बाहर का फैक्टर है, वो इम्पैक्ट हुआ साइकिल पर तो वो टर्न हुई। इसी तरीके से एक ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट, वो भी बाहर का फैक्टर है, यानी एक्सोजेनस है। लेकिन रिचर्ड एम गुडविन, इन्होंने कहा है कि साइकिल के अंदर ही, बिजनेस साइकिल के अंदर ही इनबिल्ट ऐसी चीजें हैं जिसकी वजह से वो टर्निंग पॉइंट्स अपने आप उस साइकिल में आ सकते हैं। उनको फुल एम्प्लॉयमेंट और ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट के लिए वेट करने की जरूरत नहीं है, यानी कि वो पहले भी टर्न हो सकती हैं और अप हो सकती हैं। ये चीज गुडविन ने आर्ग्यू की थी, और उन्होंने बताया था कि उनका ये जो मॉडल है वो कैपिटल एक्यूमुलेशन पर ध्यान देगा। यानी कैपिटल कितना है आपके पास, वो कैपेसिटी कितनी है। कैपिटल से मतलब है खास तौर पे वो कैपिटल जो स्टॉक कहलाता है और कैपिटल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जांपल मशीन्स ले लीजिए, तो आपके पास मशीन्स कितनी है, कितनी कैपेसिटी है मशीन्स की, लैंड की, लेबर की, ये सब आपका कैपिटल कहलाएगा। तो हिक्स ने लीनियर मॉडल का इस्तेमाल किया था, यानी कि उनका जो ग्राफ है वो ऊपर जाता था और यहां पर मुड़ के फिर नीचे आता था। यानी इस P1 P2 पर वो मुड़ता था, यानी यहां तक तो वो लीनियर होता था, बाद में नॉन लीनियर बनता था, फिर यहां से फिर नॉन लीनियर बनता था। यानी लीनियर का मतलब ये होता है कि एक लाइन में, नॉन लीनियर जब वो एक लाइन में ना हो, कर्व हो, ऊपर नीचे हो रहा हो। तो नॉर्मल लाइफ में, बिजनेस साइकिल में एक स्मूथ लीनियरिटी तो हो नहीं सकती। तो गुडविन ने ये बात अच्छे से समझी और बताया कि ये जो ग्राफ है ऊपर की तरफ भी जा रहा है तो स्मूथली नहीं जाएगा, ये अप डाउन होता हुआ जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत लिमिट में बिजनेस साइकिल है। जैसे कि घड़ी का एक पेंडुलम होता है, वो लिमिट में रहता है, इनकी वॉल्स से टकराता नहीं है, और जैसे ही बॉल की तरफ पहुंचता है तो वापस आ जाता है। इस तरीके से लिमिट में साइकिल कर दिया, पर रियल लाइफ में तो ऐसा हो नहीं सकता। तो गुडविन ने यह बताया है कि ये इस तरीके से नहीं होगा, बल्कि ये दोनों जगह अगर पहुंचेगा भी तो ऊपर नीचे होते हुए पहुंचेगा, यानी नॉन लीनियर होगा और ऐसे ही उतरेगा भी। इस पर हमको डिस्कस करना है कि ये होगा कैसे। तो सबसे पहले इसके लिए लीनियर कंजम्पशन फंक्शन लिया है गुडविन ने, C=C0+α(YD। ये क्या है, ये हम पहले भी कर चुके हैं। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम आपने वीडियो देखा होगा तो ये समझ में आ जाएगा, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। MPC या MPS आपको पता होना चाहिए। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम ये अल्फा है, ठीक है, और C0 है ऑटोनोमस कंजम्पशन। अल्फा को हम कंजम्पशन इनकम रेशियो भी बोल सकते हैं, और C0 है ऑटोनोमस कंजम्पशन, यानी कि पूरा कंजम्पशन फंक्शन किस पर डिपेंड है। एक जो कंजम्पशन नॉर्मल लेवल पे हो रहा है, जो कंज्यूम करते ही हैं, जो नीड है लोगों की, या जो उस कंपनी की, क्योंकि हम यहां पर कैपिटल स्टॉक की बात कर रहे हैं तो कैपिटल गुड्स की बात कर रहे हैं, हम ड्यूरेबल गुड्स की तरफ नहीं जा रहे हैं, वो उसका भी एक रीजन है। गुडविन ने यह आर्ग्यू किया है कि अगर हम कैपिटल गुड्स को लेते हैं तो वो इन्वेंट्रीज जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो जल्दी एक्सेलरेट होती हैं, और क्योंकि वो सारी चीजें प्रोडक्शन में जरूरत होती हैं इसलिए वो जल्दी एक्सेलरेट होती हैं, और उससे पैसा जल्दी बनता है और बिजनेस साइकिल जल्दी बूस्ट होती है। इसलिए उन्होंने कैपिटल गुड्स को टारगेट बनाया है, ड्यूरेबल गुड्स को नहीं बनाया है। तो यहां पर ऑटोनोमस कंजम्पशन तो होता ही होता है कुछ ना कुछ, और ये है आपका मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। किसके हिसाब से? उस इनकम के हिसाब से जिसको हम डिस्पोजेबल इनकम कहते हैं। डिस्पोजेबल इनकम आपको पता होना चाहिए, वो इनकम है जिसमें से टैक्स वगैरह निकाल दिए जाते हैं और जो खर्च करने के लिए बचती है। उसमें से आप जितना खर्च करेंगे वो आपका अल्फा कहलाएगा, और जितना आप सेव करेंगे वो आपकी सेविंग्स कहलाएंगी। यानी आप किस लेवल पे उसको सेविंग कर रहे हैं या किस लेवल पे खर्च कर रहे हैं, तो खर्च वाले को अपन ने ले लिया है क्योंकि हम कंजम्पशन ही ले रहे हैं। तो ये वो फंक्शन है। और नेट इन्वेस्टमेंट को गुडविन ने लिया है कैपिटल स्टॉक के रेट ऑफ चेंज पर डिपेंडेंट, यानी नेट इन्वेस्टमेंट होगा जितना कैपिटल स्टॉक में चेंज करना है उसके हिसाब से।
यानी कि एक होगा एक्चुअल कैपिटल, एक होगा डिजायर्ड कैपिटल। इसको पहले समझ लीजिए होता क्या है। सपोज आपके पास 100 मशीनें हैं, ठीक है, उससे आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, लेकिन आप पूरी मशीनें इस्तेमाल नहीं कर रहे, आप केवल 70-80 मशीनों का काम ले रहे हैं, क्योंकि अभी डिमांड नहीं है उतने प्रोडक्ट्स की। लेकिन जब डिमांड बढ़ रही है तो आप कहां तक जा सकते हो? 100 तक जा सकते हो। डिजायर्ड कैपिटल आपका कितना है? 100 तक है, 100 मशीन का यूज करना, वहां तक आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो एक्चुअल में अभी आप जो कर रहे हो वो है, और डिजायर्ड जहां तक आप जा सकते हो वो है। इसको एक ग्राफ से समझते हैं। सपोज ये है RC1, RC2, ये है रेंट कॉस्ट। कैपिटल को रखने की कॉस्टिंग भी तो होती है, उसमें कुछ चीजें खराब भी होती हैं, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का भी इस्तेमाल होता है, इंटरेस्ट रेट्स भी लगते हैं, और भी बहुत सारे यूजर कॉस्ट होते हैं, वो सारे कॉस्ट लगते हैं। तो सपोज हमारी अभी एक्चुअल कैपिटल के जीरो है, और हमारा कॉस्ट कितना लग रहा है? RC1। यानी उसी कॉस्ट पर हम K1 कैपिटल भी लगा सकते हैं। यानी हमारा डिजायर्ड कैपिटल क्या है? K1 है, या और हम लगा कितना रहे हैं? K0, क्योंकि उतनी ही डिमांड है, हम आगे नहीं बढ़ रहे अभी, मगर हम बढ़ सकते हैं, इतना गैप है अभी जहां तक हम बढ़ सकते हैं। और ये वाला जो कर्व है, ये कर्व क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल, उसकी वैल्यू है जो गिरती जाएगी, डिमिनिशिंग होगी। क्योंकि जितना जितना आप इन्वेस्टमेंट करके कैपिटल बढ़ाएंगे, उतना उतना उसका रिटर्न भी कम होता जाएगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से। इसको ऐसा समझिए जैसे हम एक छोटा सा एग्जाम्पल माइक्रो इकोनॉमिक्स में लेते थे कि एक खेत है और उसकी जुताई करनी है हमको, तो वहां पर मान लीजिए दो वर्कर्स लगा दिए हमने, तो वो काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अगर तीन लगा दिए तो हमारा काम और जल्दी हो जाएगा, हमने चार लगा दिए तो और जल्दी हो जाएगा, 5, 6, 7, 8, 10 अब हमारे लिए हेक्टिक हो गई। छोटा सा वो मैदान है, उसमें हमने 10 लगा दिए, 15 लगा दिए, 15 लोगों को हम पैसा भी देंगे, उनका वेज देंगे, और उसके बाद उससे उतनी कमाई भी नहीं होगी, तो ये तो हमारे लिए घाटा हो गया। तो इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ता है उसका रिटर्न भी कम होने लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न के हिसाब से। तो कैपिटल आप जितना इतना बढ़ाएंगे वो हमेशा नीचे की तरफ आएगा उसका रिटर्न, तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ठीक है। तो इसीलिए जब हम K0 से K1 पे आएंगे, क्योंकि यूजर कॉस्ट तो हमारा उतना ही है, और अगर डिमांड बढ़ जाती है तो हम यहां तक आ सकते हैं, तो हमारा काम बन जाएगा। लेकिन जब यूजर कॉस्ट और नीचे आ जाएगा, यानी मान लो कोई ऐसा इनोवेशन हो गया कि हमारे यूजर कॉस्ट कम हो गए, कुछ ऐसी चीजें हो गई कि मान लीजिए बिजली का बिल कम हो गया या मशीन्स एफिशिएंट हो गई, किसी भी तरीके से यूजर कॉस्ट नीचे आ गया, तो जब ऐसा हुआ तो हमारा डिजायर्ड कैपिटल और बढ़ गया, अब हम K1 से K2 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये डिफरेंस है एक्चुअल और डिजायर्ड में। तो एक्चुअल से डिजायर्ड की तरफ जब हम जाते हैं, यानी इनके बीच का जो डिफरेंस है उसको भरपाई जब हम करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं नेट इन्वेस्टमेंट इन टर्म्स ऑफ गुडविन। गुडविन ने इसको नेट इन्वेस्टमेंट बोला है, इसमें उन्होंने आउटपुट को नहीं लिया है, इसमें उन्होंने कैपिटल को लिया है। बहुत ध्यान से इस वर्ड को समझिएगा, ये कैपिटल एक्यूमुलेशन की थ्योरी है, ना कि आउटपुट से रिलेटेड, क्योंकि आउटपुट के द्वारा एक्सिलरेशन हिक्स ने बताया था कि एक्सिलरेशन आउटपुट पर लगता है और मल्टीप्लायर इनकम पे लगती है, लेकिन इन्होंने कैपिटल को लिया है। और कौन से कैपिटल? जो कैपिटल इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल होता है, वो कैपिटल, कैपिटल स्टॉक, उसको बढ़ाने की बात चल रही है, ये दिमाग में क्लियर रखिएगा। इसको हम इस डायग्राम से भी समझ सकते हैं। सपोज यहां पर ये I0 है, ये I1 है, ये इंटरेस्ट रेट्स हैं, इसको आप कॉस्टिंग समझ सकते हैं कि जो कॉस्ट लग रही है यहां पर, जहां पर K0 और K0 डैश या K0 स्टार दोनों बराबर है, यानी कि डिजायर्ड और एक्चुअल दोनों बराबर है। ये K0 है आपका एक्चुअल, और K0 स्टार ये है आपका डिजायर्ड, ये दोनों सेम है इस पॉइंट पर, यहां पर तो ठीक है, लेकिन जब ये कॉस्टिंग कम हो गई तो डिजायर्ड लेवल हमारा K1 पे आ गया, यानी हम यहां से यहां शिफ्ट हो सकते हैं। और यहां से यहां तक हमको शिफ्ट करने के लिए इस लाइन से आगे सीधे जाएंगे हम, तो हमारा इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा, I0 से I1 हो जाएगा। तो जितना ये यूजर कॉस्ट कम हुआ है उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट उतना नहीं कम हुआ है, इन्वेस्टमेंट उससे भी कम हुआ है। यानी कि इन्वेस्टमेंट अगर हम एक और बार देखें कि यूजर कॉस्ट और नीचे आ जाए, और यहां पर देखें तो ये गैप और कम हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट का जो रिटर्न है वो कम होता जाएगा, हम कम से कम इन्वेस्ट करते जाएंगे, पहले ज्यादा करेंगे, फिर कम, फिर कम, फिर कम, क्यों? क्योंकि रिटर्न उसका उतना नहीं आएगा,
क्यों नहीं आएगा रिटर्न? जैसे आपने इन्वेस्टमेंट किया कैपिटल गुड्स में, ठीक है, तो पूरी इकोनॉमी में भी इन्वेस्टमेंट होने लगा कैपिटल गुड्स के लिए, तो कैपिटल गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, उसकी डिमांड भी बढ़ जाएगी। ओके, तो सभी लोग वो बनाने लगेंगे तो उसका रिटर्न फिर कम होने लगेगा, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ेगी तो मार्केट में प्रोडक्ट बहुत ज्यादा आ जाएंगे, तो उनकी वैल्यू घटने लगेगी फिर। और जब घटने लगेगी तो उससे रिटर्न उतना मिलेगा नहीं, यानी इन्वेस्टमेंट हम फर्दर अगर करते हैं तो हमको रिटर्न उतना नहीं मिलेगा। इसका मतलब है इन्वेस्टमेंट हमारा कम होता जाएगा, इसलिए ये वाला स्लोप इन्वेस्टमेंट का थोड़ा सा स्टीप है और थोड़ा झुका हुआ है, ये उतना फ्लैट है। ये कॉस्टिंग है जो कि आराम से ही नीचे आती है, ये एकदम से नीचे नहीं आती। तो इस तरीके से अगर हमको एक एक्चुअल कैपिटल से डिजायर्ड कैपिटल की तरफ जाना है तो कुछ इन्वेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन ये जो इन्वेस्टमेंट होता है, ये इन्वेस्टमेंट दो तरीके से हो सकता है, यानी कि इसमें दो चीजें होती हैं। ये पूरा इन्वेस्टमेंट जो लिया है अपन ने, इसको ग्रॉस इन्वेस्टमेंट मानिए आप, और उस ग्रॉस इन्वेस्टमेंट में दो चीजें होंगी, एक तो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट होगा, एक नेट इन्वेस्टमेंट होगा। यानी मान लीजिए आपने पैसा लगाया कैपिटल में, बहुत सारी चीजें आपने खरीदना थी, लेकिन कुछ कैपिटल आपके पास पहले का भी बचा हुआ है, और उस कैपिटल में मशीन को मान लीजिए, हम मशीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, कुछ चीजें खराब होंगी, उसके रस्टिंग हो गई होगी, कुछ स्क्रैप हो गया होगा, उसको बनवाना होगा, मेंटेनेंस के लिए चार्जेस लगेंगे, वो रिप्लेसमेंट इन्वेस्टमेंट कहलाएगा। यानी आप जो नया इन्वेस्टमेंट करेंगे उसमें से कुछ रिप्लेसमेंट में भी आपको खर्च करना पड़ेगा, और कुछ जो आप नया करेंगे। और जब आप नया इन्वेस्टमेंट करेंगे और वो प्रोडक्ट्स बनने लगेंगे तो उनका यूजर कॉस्ट भी बढ़ जाएगा, यानी उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाएगी, तो कॉस्टिंग हमेशा बढ़ती जाएगी, क्योंकि आपको अगर कोई चीज मशीन वगैरह खरीदनी है मार्केट से, क्योंकि उनकी डिमांड बढ़ती जा रही है, तो उनकी वैल्यू बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अगर आपको कोई मशीन खरीदनी है और वो डिमांड में है पूरे बाजार में, पूरी इकोनॉमी में, तो वो महंगी मिलेगी क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है। और फिर आप उस मशीन को लगाकर इन्वेस्ट कर दिया आपने, अब उसका रिटर्न आप कमा रहे हैं, तो रिटर्न धीरे धीरे कम होता जाएगा, लेकिन आपकी मशीन की वैल्यू तो ज्यादा है तो उसका कॉस्टिंग भी ज्यादा हुआ आपके लिए, तो ये धीरे धीरे आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाएगी और उसका रिटर्न कम होता जाएगा उस इन्वेस्टमेंट का, तो वो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बाद में घाटे का सौदा हो जाएगा, और फिर ग्राफ नीचे की तरफ आने लगता है। तो अब हमारे पास डिजायर्ड कैपिटल के बार किसके प्रोपोर्शनल हुआ? आउटपुट के प्रोपोर्शनल हुआ।